हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना की तरह ही डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर इससे पहले आपने पिछले वीडियो की करंट अफेयर क्लास नहीं देखी है तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वार्षिक TSJA पुरस्कारों में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ए विराट कोहली, बी पीवी गोपीचंद, सी साइना नेहवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 23 मार्च। 23 मार्च शहीद दिवस, यह है ना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इस दिन है ना इनको फांसी दी गई थी, इनके उपलक्ष्य में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस के साथ विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय प्रशांत सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया OCA की स्थायी समिति में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरदार सिंह। सरदार सिंह जिसे 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सरदार सिंह एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है, जबकि ए अभिनव बिंद्रा एक निशानेबाजी है, और सी सुशील कुमार जो है ना कुश्ती के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए सुश्री मेनन। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सिल्क रोड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला 7वां देश कौन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा सी इटली। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और 7वें शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 8, किस बैंक ने व्यवसाय के अवसरों के लिए बैंक ऑफ चाइना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी SBI। क्वेश्चन नंबर 9, रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? ए 6.6%, बी 6.7%, सी 6.8% और डी उपयोग से भी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 6.8%। क्वेश्चन नंबर 10, IATA में शामिल होने वाले देश की पहली सस्ती विमानन सेवा एयरलाइन कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए SpiceJet। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित होने वाले लंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम एरो एक्सपो LIMA लीमा 2019 में भाग लेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए मलेशिया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस संस्था को देश के 3रे केंद्रीय प्रतिपक्ष CCP के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ए BSC, बी NSC, सी MCIL, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी MCCIL। दोस्तों, आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।